ममता क्या पे रहे बेटी? इतनी लच्छी। ओके थैंक यू। टेस्टी है? तो दोस्तों ये देखिए पत्थल का है, करीना ने ली है मसाला वसला पीसने के लिए। तो कभी भी बिजली सब नहीं रहता है तो दिक्कत होता है, इसलिए तो हम लोग इसको बोलते हैं सिलबट्टा, सिलेट लोरा भी बोलते हैं गांव में। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मूली को तो पराठा बना लिए थे, उसका साग बचा हुआ है, उसका हम मुनिया बना रहे हैं आज। और दाल भी बनाई है ना मसूर की? मसूर की दाल बनाए हैं, उसी के साथ खाएंगे। तो हम लोग का बाबू तो सो गया है नहा वहा के। बेटिया साग नहीं खाएगी? साग तो ममता भी दाल और भात बहुत पसंद करती है, बाबू भी करता है दाल से बहुत।
ममता हो गया, चलिए तब धोवाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, हम लोग आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो वह देखिए मसूर का दाल और ये है मूली का पत्ता। तो इसका मूली का तो परोठा बनाए थे, इसलिए खाली मूली पत्ता बनाए हैं। मूली के पत्ता के साथ इधर मिर्चा भी हरी बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए इसको भी रखे हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए करीना जी, thank you.
तो दोस्तों बिजली भी चल गया था, पता नहीं वीडियो कैसे आएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए करना जी, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मूली का पता है बहुत टेस्टी लगा और दाल के साथ में तो और बहुत मैच हो गया, बहुत टेस्टी लगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पहली बार आ रहा हम लोग का चैनल में आए तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।